Dear students, now we are going to study phi correlation coefficient. मैंने आपको लास्ट मॉड्यूल में बताया था कि जो काइस केट है वो सिर्फ टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस है, जिसमें हम सिर्फ ये जान पाते हैं कि दो वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड हैं, वो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हैं कि नहीं. उसके बाद जो है हम उनका रिलेशनशिप चेक करने के लिए और उनकी स्ट्रेंथ देखने के लिए डिफरेंट कॉफिशेंट्स कंप्यूट करते हैं. ये डिपेंड करता है कि वेरिएबल किस लेवल पे मैयर हुआ है और कंटिजेंसी टेबल जो है उसकी शेप क्या है. तो इस सिलसिले में जो पहला हम कोरिलेशन कॉफिशेंट पढ़ने जा रहे हैं वो है फाई कोरिलेशन कॉफिशेंट. फाई कोरिलेशन कॉफिशेंट जो है एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है और ये बाइनरी वेरिएबल्स के दरमियान वो नॉमिनल हों या वो किसी और लेवल पे मैयर हुए हों, पर वो दो की कैटेगरी में हों तो उनके दरमियान ये कंप्यूट किया जाता है और ये 2x2 कंटीजेंसी टेबल के लिए कंप्यूट किया जाता है. और ये हमें डायरेक्शन भी बताता है रिलेशनशिप की और जो है स्ट्रेंथ भी बताता है रिलेशनशिप की, और इसकी वैल्यू 0 से 1 के दरमियान ही होती है, जैसे पियर्सन आर, स्पेयरमैन रो या कैंडल टॉप ई की होती है. इसका फॉर्मूला जो है वो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, यानी अगर आपने काय स्क्वायर कंप्यूट कर लिया है तो उसको एन से डिवाइड कर दें टोटल नंबर से, फिर उसका अंडर रूट ले लें तो आपके पास फाई की वैल्यू आ जाएगी. इसको कंप्यूट करने के लिए हम अगर SPSS में देखें तो एनालाइज में जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स में आएंगे, वहाँ से फिर क्रॉस टैब में आएंगे और क्रॉस टैब में जो आपके वेरिएबल्स ऑफ स्टडी हैं उनको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद स्टेटिस्टिक्स के टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे काय स्क्वायर के साथ आप पाई एन क्रैमर वी जो है वो उसके ऊपर चेक इन कर देंगे. तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास पहले आ जाएगा क्रॉस टैब 2x2 का कंटीजेंसी टेबल, उसके बाद आपके पास काय स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, जैसे यहाँ पर यह सिग्निफिकेंट वैल्यू है. और उसके बाद हम इसकी अगर फाई की वैल्यू देखें तो ये हमें बता रहा है कि ये सिग्निफिकेंट वैल्यू है, यानी पी इज़ लेस देन 0.05 और ये -0.277 है, यानी ये नेगेटिव और एक मॉडरेट रिलेशनशिप है बिटवीन जेंडर एंड द अदर वेरिएबल. तो ये तरीकाकार है फाई कोरिलेशन कोफिशेंट को कंप्यूट करने का SPSS सॉफ्टवेयर में.